आज का मैच अगर हम हार गए तो हम आज डिस्ट्रिक्ट लीग से बाहर हो जाएंगे, तो जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। गिल्ली थी छूट गया, से फिसल गई बहुत। अच्छा, तो पता क्या है, वहां भी वही करेगा क्या? और मैच में जो कैच छोड़ा उस पे कोई जवाब नहीं, पर एक दूसरे की ताड़ने से बेटर है अपने पे ध्यान दे। ये तेरे फ्रेंड देखो कितनी तगड़ी हो रही है, और लीग का हमारा तीसरा मैच है आज, और देखो मामला कितना गर्माया हुआ, पूरी चारों तरफ गर्मी गर्मी हो रही है, और 8:00 बजे आज हम किसी और काम के लिए उठते ना भाई साहब, तो उठा नहीं था, सिर्फ मैच खेलने के लिए। देखो मामला उठ भी गया, ठंड भी नहीं लग रही, तो ये वो क्रिकेट का जादू भाई। बाकी वहाँ जाकर बताऊंगा पिछले मैच में क्या हुआ, जिसका हम लोग तो मैंने बनाया नहीं था, और क्या क्या मैटर हुआ, तगड़ा हुआ पिछले मैच। देखो भाई मैटर मैटर क्लोज है, पूरा क्लोज, जितना तुम्हें दिख रहा ना उससे कम मुझे दिख रहा, क्योंकि कैमरे में थोड़ा ज्यादा भी देख पा रहे हम। कुछ ना देखो और बस ठंड देखो, कुछ ना देखो और रोड भी ना देखो, ये धुंध देखो और मुझे देखो, देखो क्या हालत बनी है, कुछ ना देखो कुछ नहीं दिख रहा। दिक्कत सबसे बड़ी हो रही, जहाँ से मुड़ रहा था वो रास्ता में दिख रहा कि मुड़ रहा कहाँ से, मैटर यहाँ फंसा हुआ। आइडिया लगा के कितना पटका, एक योगी आइडिया इसके पीछे लगा दो, और जहाँ भी दिक्कत लगा वही मार दो डिस्प्ले के इधर। मैं तो भाई बहुत बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ा यहाँ, कुछ नहीं पता कोई क्योंकि टक्कर खराब हुआ, खड़ा हो इधर खड़ा हो पता नहीं लगता, बहुत ध्यान से। और देखो ग्राउंड पर घुस गए, ये देखो ये रहा विजय स्पोर्ट्स, और ग्राउंड का ताला लगा हुआ गाइस, सबसे पहला बंदा मैं ही हूँ। वाह जी वाह, ये तो ऐसा पहली बार हो गया भाई, ग्रेट यार ग्रेट, पहली बार लाइफ में यार ऐसा हुआ, मैच से सबसे पहले मैं आया। रुक के ही तरवा दे भाई आज, तो ढोली बजवा दूँ मैं, सेरी कुआ दूंगा। यो आगे से लाइट जल्दी, आगे भी एक चीज़ बन रही है आपकी फेवरेट चीज़, कोई पहचान लो तो बता दो, कमेंट कर दो ये अगर पहचान लिया मैंने सामने क्या बनवा रखा, रुक ही तरवा दूंगा। ताऊ अच्छी है, यहाँ से भी तो खुल जाएगा गाइस। अरे गाइस अब कहाँ से बंद, नीचे से लो जी, अब कहाँ से रह गया। अच्छा अगर कुछ दिख रहा हो तो मुझे बताओ, मैच कैसा होगा, तो लीग का मैच इसलिए जल्दी आना पड़ेगा, अगर होता ना प्रैक्टिस मैच तो आदमी फिर आराम से 7 तक 11-12 बजे भाई जल्दी आने का कारण क्या, हमारा जो पिछला मैच हुआ था ना वो हम हार गए थे, तो टीम तो सही थी, दोनों टीम ठीक रहे, किसी को हल्की ज़्यादा वो नहीं, पर हमारी टीम थोड़ी बेटर थी भाई, तो वो हम मैच हार गए, तो उसमें वो हो गया था कि लेट आ रहे, थोड़ी मस्ती मजाक हमारी ज़्यादा चल रही थी, मैच में ध्यान हम कम लगा रहे थे, तो इस वजह से पूरा डिसाइड हुआ था रात ही ग्रुप में कि 8:15 पर रिपोर्टिंग है यार, 8:30 तक मतलब सबको पहुंच जाना, तो देखते हैं भाई 15 मिनट में कौन कौन आऊंगा कौन कौन नहीं। आपका भाई तो पहले ही आ गया भाई, चाचा गाइस जो सबसे लेट आया था वो दिखा दूं मैं, ये तो गेट भी हमने खोला आगे, जो सारे नेता बना करते चाचा तेरे सामने, ये आज इनकी 50 कहां ली कट गई, नहीं मजाक नहीं, ये तेरे से पहले जो क्या करते बड़ी बड़ी बातें, नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो अपने लिए करेंगे जो भी करेंगे, तो तू भी तो अपने लिए लेट आओ था पहले, तुझे वैसे किसी से कोई लेन देना नहीं है, मैं तो बहुत पहले आ जाता कसम से कह रहा हूँ, बाइक मेरी चलने को स्टार्ट नहीं हो रही, 15-10 मिनट खा गई है मेरे, और फिर तो भाई पिछले मैच में मस्ती मजाक ज्यादा हो गई, तो इस वजह से चाहता थोड़ा सीरियस लग रहा होगा आपको, और रहना भी चाहिए भाई, और ताऊ भी आ गया भाई, ताऊ खेलना मैंने करा, ताऊ से मिलो मतलब आज पहले भाई साहब, मुझे भाई हाय तुम्हारी कसम यार भाई, बहुत मेहनती था अकेले आलि ताऊ आ गए सुबह ही, आज तो धुंध बढ़िया हो रही था, वो है वही तो पन्ना भी तारा भाई, ताऊ वैसा आए थे ग्राउंड के लिए मतलब सामान इधर से उधर रखने के लिए, अब ताऊ केला मेहनत करो, सारी चीज केला बना दो, उससे ही सीख लिया था पहले वाले से ही, और बिल्कुल बढ़िया विकेट तैयार करा, कैसा विकेट चल रहा कंचे 2-3 दिन से, आज तो देख के बता देंगे, हो गया दलिया भाई इसमें, एक तो दलिया दिख गया मुझे, कब का तो पराठे एक में क्या रख दे, तो रखा है
आलू लाया भाई, इसका फेवरेट है आलू पराठे। अरे यार इसमें तू ले ले, मुझे उसमें दे दिया, ज्यादा दे मुझे थोड़ा यार, ज्यादा दे मुझे थोड़ा, थोड़ा पराठे ज्यादा खाए। मैंने मैंने 8 पराठे लाया था, 5 इसने खाए और मैंने 3 5 थोड़ा ही खाए यार, झूठ खाए तूने, खा कसम कसम से 5। ये आपको बताऊं, वैसे बहुत फैशनेबल बना है सारी चीजें, बड़ी बड़ी बातें बताओ, देखो ना इनने कैसे पूछा मुंह, जरा मुंह नहीं पूछा, मुंह पूछा तन्ने, और क्या पूछा, मुंह नहीं पूछा कसम से, और बस सिर्फ यहां से इस एरिया बताओ वो क्या जरूरत पड़ी मुंह पर लगाने की, गंदे कपड़े किसी ने नाक पे, नाक पे किसी ने जूते साफ करोगे, मुंह पर लगाने की जरूरत क्या है, नाक पे भी लगाया तन्ने, किसी ने जूते साफ करोगे, किसी ने यहां से ये कुर्सी साफ करोगे, किसी ने नीचे कर, और मोबाइल बंद कर चल, यो इसके रियल रियल सच्चाई है इसके, कौन कह रहा लेटा, तुम गवाह बताओ, बता भाई कौन कह रहा लेट नहीं है, बिल्कुल लेट नहीं है कप्तान, तो भाई धुंध कम होने को तो नाम नहीं ले रही उतनी झुकी तो धुंध, अब तो चाचा ने आपने प्रैक्टिस सेशन शुरू करवा दिया, एक तो दूसरे के चूतों में घुसने की ना आदत है, अच्छा ठीक है भाई, अभी मैंने कहा यहाँ से मेरे को गिल्ली थी छूट गई, यहाँ से फिसल गई, अच्छा तो पता क्या है वहाँ भी वही करेगा क्या, पर मैच में जो कैच छोड़ रहा उस पे कोई जवाब नहीं, पकड़ लिया भाई, पर एक दूसरे की ताड़ने से बैठ रहे अपने पे ध्यान दे, तेरे वो कितनी देर लगी, मैं तो आज अंदर कमेंट भी सुनो इनके, फील्डिंग कर रहे हैं बैंच, अब तो नॉर्मल है थोड़ा, ये सिखाई जल्दी गाइस सिखाई, 9:30 बज गए और कुछ भी अब तक मामला देखो जू का तू है, मुझे लग रहा है और ज्यादा ही धुंध हो, क्या लग रहा है सर जी कितने ओवर का हो जाएगा मैच, पहले तो लग रहा था कि 35 तक का हो जाएगा, पर अभी तो कोहरा बढ़ रहा है ना, तो वही 25-30 तक हो जाएगा, क्योंकि अभी 9:30 बजेगा, 10:30 तक भी होगा तो 30 ओवर का हो जाएगा, चमक गया गाइस चमक गया दर्शन हो गए सूरज देवता जी के, दर्शन हो चुके हैं, अभी सब आदमी दिखने गए, पर धूत यहाँ से हट गए, अभी टीम लिस्ट आ चुकी है यहाँ, इसमें लिखा नहीं वसीम भाई, छुपा क्यों रहे, कोई खाली लिया तो ओ बेटे हैं तुम्हारे बिल वसीम भाई अड़काई बिल्कुल हिसाब, चलो भाई ये देखो चिंटू वहां बड़ा फिर रहा, क्या कर रहा है भाई साहब, 2 घंटे का पानी, तू 1 घंटा यार, यार ये क्या कर रहा है, बताओ आज टॉस जीत रहे नहीं हम, अच्छा दूध ब्रेक हो गया हमारा बीच में, सोन सिंह दूध हमारा नहीं मेरा, टॉस जीत के गेंदबाजी करिए हमारा, जो हमारा फैसला रहा, और इस यहाँ से वीडियो कॉल बनाकर वो देखने की बात हूँ, तो अपना मैच है 38 ओवर का डिसाइड हुआ है, अभी ग्रुप में हम दूसरे नंबर पे हैं, और अख्तर जी और सोहेल पहले ओवर में बॉल डाल रहे हैं, और दूसरी बॉल पे सोहित पे कैच भी बन गया था, पर भाई वो छूट गया, आप ही बताओ क्या गलती की उसने इसमें कैच पकड़ते हुए, अभी आप हमारे स्टार्टिंग के ओवर देखो, देखो हमारे बॉलर्स ने कैसे स्विंग किया है और कब तक वो विकेट निकालते हैं, भाई साहब स्टार्टिंग में 1 नंबर बॉल डाली और 1 नंबर स्विंग भी कराया भाई साहब, सामने से बीट हो रहे थे बैट्समैन, अभी देखो आप, और विकेट फिर सोहेल ने लिया उसके बाद, अच्छा है हमारे मीडियम पेसर की बॉलिंग देख के, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि हम इन्हें कितने पे ऑल आउट कर देंगे, क्या लग रहा है आपको, ये देखो ये था सोहेल का पहला विकेट, हमें पहला विकेट थोड़ा लेट मिला, और उधर से अख्तर जी अब भी ऐसी स्विंग करा रहे थे भाई, देखते ही देखते हमने उनके 4 विकेट 30 रन पे आउट कर दिए थे, फिर बीच में उनकी एक पार्टनरशिप हुई जहाँ 1-2 चौके आए, फिर मटर भी गेंदबाजी पाया उसने भी स्टार्टिंग में 1-2 चौके खा लिए, पर उसके आगे क्या हुआ आगे मैं आपको बताता हूँ, हमारे बॉलर्स ने भाई बहुत तगड़ी बॉल कर दी, हमने उन्हें 79 पे रोक दिया, अब देखो विकेट किसने कितने लिए, तो भाई खाना यो आ गया, हमने उन्हें रन कितने पर रोक दिया, हमने उन्हें 80 पर रोक दिया, 80 पर अख्तर जी ने कितने का लिया, 3 का अख्तर जी ने लिया, आप ना 2 का रन लिया, 3 का मटरून लिया, विकेट कह रहा गाइस विकेट, तो बैटिंग पे हमारी साइड से सोहित और सोबित चले गए क्योंकि हिमांशु भी बाहर गया हुआ है, और पहली बॉल भाई अच्छी पड़ी हुई करना लग के 4 रन मिल गए, और दूसरी और तीसरी बॉल पे सोबित ने एक अच्छा ड्राइव मारा और दूसरी बॉल पे एक अच्छा कट मारा भाई, देख के अच्छा लगा दोनों शॉटों को, सोबित के बैटिंग करते हुए इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे कि थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा है, और भाई इसी तरह वो रन भी बना रहा था, 3-4 चौके 1 ओवर मार दिए उसने, उधर से सोहित थोड़ा टाइम ले रहा था क्योंकि मैच जीतना जरूरी है भाई, रन छोटे हों भले ही पर कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं छोटे रन ही, पर दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे थे, टाइम लेके खेल रहे थे, गंदी बॉल मिलते ही सोहित भी मार रहा था और साथ साथ सोबित भी मार रहा था, और भाई देखते ही देखते हमारे 30 रन हो गए भाई, अब डूब लग के विकेट भी थोड़ा आसान हो गया था, पर हमारे बैट्समैन भाई उसका पूरा फायदा उठा रहे थे, गंदी बॉल मिलते ही पूरा अच्छी तरह मार रहे थे, और साथ साथ
डिसिप्लिन से भी बैटिंग कर रहे थे, विकेट की इंपोर्टेंस समझ रहे थे, और यही सिलेक्शन मैचेस होते हैं जहाँ से लड़के डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए और रणजी ट्रॉफी सब यहीं से खेलते हैं, मतलब यही सिलेक्शन मैचेस है मेन। और देखते ही देखते हम 60 रन से पार हो गए थे, पूरी तरह हमने मैच में पकड़ बना ली, अब तक कोई विकेट भी नहीं गिरा हमारा, और साथ में सोबित भी 40 से प्लस खेल रहा है और 9 चौके अभी तक लगा चुका है। वसीम भाई, जो आपके लड़के बैटिंग कर रहे हैं खासकर सोबित, आपको देख रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है देख के, मतलब अच्छी बैट्समैन है, एक नंबर है, नहीं मतलब आज की बैटिंग कह रहा है तो देखो है तो इसलिए तो फेयरलेस खेल रहा है, उसे बॉल से मतलब है, बॉलर से मतलब नहीं है। अच्छा, एक नंबर लग रहा है बैटिंग भैया। सारे अख्तर जी, आप क्या कहना चाहोगे, जैसे आप कप्तानी कर रहे हैं, टॉप बैटिंग कर रहा है, टॉप बैटिंग, मजा आ रहा देख के, क्लास बैटिंग, मजा आ गया, मतलब ऐसा होनी चाहिए, मतलब ये सिलेक्शन मैच है और मतलब एक दफा बैटिंग कर रहा है। तो मैच तो एक तरफ हमने अपने नाम करा लिया, जिसमें मैन ऑफ द मैच हसन अख्तर है। तो भाई मैच खत्म हो गया, अब लीग का एक और मैच बचा है हमारा, उसके बाद जो भी जीत जाए क्वार्टर फाइनल में, अभी तो हम पहले नंबर पे आ गए, 4 टीम है हमारे ग्रुप में, यहाँ पे देख लो साइड में। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग के एंड, अगले मैच के लिए लाइक जरूर मार के जाना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।